हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पिंजौर निजी दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि निजी दौरे में किसी को नहीं बुलाया गया था। इसमें विशेष तौर पर पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान संतराम शर्मा से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोपहर को भाजपा वर्करों ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उनका यह निजी दौरा था। वो एक निजी उनका व्यक्तिगत दौरा था, उन्होंने मिलना था काम मिलने के लिए आए थे। उनका एक रूटीन रहती है, वो जो भी काम ऑन फ्लोर चलते हैं तो वो उनको इंटरेस्ट लेते हैं। तो उस इंटरेस्ट में हमारा जो अंडर पास का काम था, ये भी काफ़ी बड़ा काम था। पहले ओवर हुआ, फिर अंडर हुआ, काफ़ी चीज़ें इस पर होती रही, तो उसको वो देखने के लिए रुके थोड़ी देर के लिए। इस संबंध में बीजेपी वरिष्ठ नेता संजीव कौशल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कालका और पिंजौर में खलबली मची है कि आखिरकार मुख्यमंत्री का निजी दौरा इतना गोपनीय रखा गया था कि किसी भी कार्यकर्ता को इसकी भनक नहीं लगी थी। हालांकि मुख्यमंत्री के पिंजौर पहुंचने के बाद कुछ बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिंजौर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। हम काम करने में विश्वास करते हैं, कैसे बढ़िया काम किया जाए, लेकिन कुछ चीज़ें बीच में ऐसी भी आई कि क्यों आए हैं, क्यों आए, तो इसलिए कि वो एक निजी दौरे पे आए थे और चलते चलते उन्होंने वो देखा अंडर पास वाला भी कि मैं क्या है, क्या कैसा है वो, इतनी सी बात थी। तो काफ़ी प्रेस के लोगों ने भी फ़ोन किया कि भाई आए हैं तो क्यों आए हैं, उसमें ऐसी कोई बात कुछ छुपाने वाली है, कुछ बताने वाली थी भी नहीं, ना बताने वाली थी ना छुपाने वाली थी। तुमने कहा चलो एक बार इकट्ठे हो जाए तो ये चीज़ क्लियर ही करते हैं कि वो माननीय मुख्यमंत्री सुबह आए थे, वो एक निजी कार्यक्रम मतलब निजी रूप में आए थे, वो चलते चलते उन्होंने वो ध्यान दे दिया। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का निजी दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खलबली मचा गया है, क्योंकि बीजेपी वर्करों का मुख्यमंत्री दौरे को निजी दौरा बताया और किसी खास पर्सन के लिए ये दौरा नहीं था, शायद यही बताने का प्रयास था। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पिंजौर का निजी दौरा किसी के लिए खास रहा तो किसी के लिए निजी दौरा राजनीतिक खलबली से कम नहीं रहा था।